भूटान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद क्या चाबहार पोर्ट डील पर असर पड़ेगा? ईरान में सियासी उलटफेर से क्या चाबहार प्रोजेक्ट धीमा हो जाएगा? चाबहार पोर्ट डील को लेकर क्या है भारत का फ्यूचर प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। रईसी की मौत से क्या चाबहार पर पड़ेगा असर? चाबहार डील पर क्या है भारत का फ्यूचर प्लान? हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से भारत को भी गहरा सदमा लगा है। ये रईसी ही थे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद चाबहार बंदरगाह भारत को सौंपने का रास्ता साफ किया। यही नहीं, ईरान के इस्लामिक देश होने के बावजूद रईसी ने कश्मीर के मसले पर भी हमेशा भारतीय रुख का समर्थन किया। भारत ने बीते सप्ताह ही ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन और विकास के लिए 10 साल का समझौता किया है और इस पोर्ट के विकास के लिए भारत भारी भरकम निवेश भी कर रहा है। चाबहार पोर्ट डील पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ ये समझौता रईसी की वजह से मुमकिन हो पाया और हम इसमें आगे बढ़ने के लिए काफी उत्सुक हैं। You know, we've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran. We could have like a short-term agreement because there were a lot of problems on their side. But actually, in recent months, thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the president of Iran and the foreign minister of Iran, because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. This is very important because if you look, you know, today, one of the big things in the world is how do you make connectivity corridors? And the connectivity corridor is if you go through India, Gujarat, Maharashtra, go through Iran by sea, from Iran to Central Asia or to Azerbaijan, then to Russia, you can actually all the way go up to Northern Europe. We are also looking at something through Saudi Arabia, which will take us into Southern Europe. We are looking at something through Myanmar, which will take us all the way till Vietnam, Pacific Ocean. So these corridors are built. India's position, because we will be very much at the center of this whole thing, it will actually benefit us. So the Chabahar Port Agreement actually is something bigger than a port. It is part of a connectivity change that we are looking at, and that's why we are very keen so far. भले ही ईरान की सत्ता और विदेश नीति वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के हाथों में है, लेकिन रईसी जैसे नेता इन नीतियों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में कभी कोई कमी नहीं की। भारतीय हितों को लेकर उन्होंने हमेशा आकर पहल की और इसी का नतीजा चाबहार बंदरगाह समझौता है। 2003 में पहली बार भारत ईरान के बीच इस बंदरगाह के विकास और संचालन को लेकर सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन दो दशक तक बंदरगाह से संचालन का दीर्घकालीन समझौता अलग अलग कारणों से लटकता रहा। 2017 में भारत ने बेहेश्ती बंदरगाह पर टर्मिनल का निर्माण कर उसका संचालन शुरू किया और आखिरकार 2024 में चाबहार बंदरगाह को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। रईसी की वजह से चाबहार डील। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर जब से पैर जमाए हैं, तभी से भारत के लिए रणनीतिक तौर पर ये जरूरी हो गया था कि अरब सागर में भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए चाबहार में मौजूद रहे। यही वजह है कि अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए भारत ने ईरान के साथ चाबहार समझौते पर साइन किए। जाहिर है रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर, जो इस समझौते को लेकर काफी मुखर थे, उनके नहीं रहने से भारत ईरान के बीच ये प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।